वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश, आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल संडे का लेकर के आया हूँ। आज है संडे, अप्रैल 8, 2018। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है एडिटोरियल में। एडिटोरियल आजकल आज बहुत संडे को बहुत सारे आते हैं, तो हमने एक एडिटोरियल का टॉपिक चूज किया है और ये है द लो डाउन ऑन ट्रू ओवर SC ST एक्ट वर्डिंग। मीन्स मतलब द लो डाउन मीन्स सच्चाई ट्रूथ ऑन द रो विवाद पर ओवर SC ST एक्ट वर्डिंग। जो SC ST एक्ट आया है उस पर जो SC ST एक्ट पर सॉरी जो आदेश आया है उस पर कौन सा विवाद है, उसकी सच्चाई क्या है आखिर, वो हमें जानना है। तो आइए देखते हैं इस पर क्या है। टॉपिक में पहला जो इसमें हेडिंग दे रखा है व्हाट इज इट, ये है क्या आखिर। तो आप ये पढ़िए पहले कि आखिर इसमें पूरा आप डिटेल समझेंगे। जो मुद्दा चल रहा है SC ST एक्ट का, 2 अप्रैल को जो प्रदर्शन हुआ था और कुछ लोग कुछ रूमर्स भी चल रही हैं कि हो सकता है फ्यूचर में हो, तो ये सब क्या है आखिर पूरा मुद्दा आप अच्छी तरह से आज जान पाएंगे इसे कम्प्लीटली। तो जरूर जरूरी से लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा और आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए। पहला आप स्टार्ट करिए जैसे अ रिसेंट वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाल ही का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हैज़ इन्वाइटेड क्रिटिसिज्म, इसे आलोचना मिली है। मतलब इसने आलोचना इन्वाइट की है, आमंत्रित की है, मतलब जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे आलोचनाएँ मिली हैं फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एंड अदर्स और अन्य पार्टी अन्य लोगों के द्वारा। और किन लोगों के द्वारा, हु आर यू, जिनका तर्क है मतलब राजनीतिक पार्टियां और अन्य लोगों के द्वारा जो इन्हें आलोचना मिली है इस आदेश को, उनका तर्क क्या है। उनका तर्क है दैट इट अमाउंट्स टू डायल्यूट, इसका मतलब है टू डायल्यूटिंग मतलब कम कर देना द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989, जो 1989 में SC ST एक्ट आया था उसको कम कर देना इसका मकसद है इस आदेश का। ऐसा इन लोगों का तर्क है, किनका, राजनीतिक पार्टियों का और अन्य लोगों का जो भी मतलब आलोचना कर रहे हैं उन सभी का यह तर्क है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका मकसद यह है कि SC ST एक्ट जो 1989 में आया था उसको कम कर दिया जाए, उसके महत्व को कम कर दिया जाए। डायल्यूट मतलब होता है कम कर देना, प्रभाव को कम कर देना, टू मेक लेस द इन्फ्लुएंस, है ना। तो ये चीज है। तो आइए आगे देखते हैं फिर द कोर्ट लेड डाउन न्यू गाइडलाइंस, कोर्ट ने नई गाइडलाइंस नई निर्देश जारी किए हैं किसके लिए, फॉर पुलिस ऑफिसर्स के लिए, ऑन हाउ टू इंश्योर कि कैसे सुनिश्चित किया जाए दैट इनोसेंट पर्सन, जो मासूम व्यक्ति है निर्दोष व्यक्ति है, स्पेशली पब्लिक ऑफिशियल, खासकर पब्लिक ऑफिशियल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉल्स कंप्लेंट्स, ताकि जो ये पब्लिक ऑफिशियल खासकर हैं और जो निर्दोष व्यक्ति हैं उन्हें सुरक्षित किया जा सके फ्रॉम फॉल्स कंप्लेंट्स मतलब झूठी शिकायतों से। ऐसा किससे, उन नई गाइडलाइंस कोर्ट ने जारी की हैं इनके लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, ताकि वो सुनिश्चित करें कि कैसे निर्दोष लोगों को और जो पब्लिक ऑफिसर्स है खासकर उनको झूठी कंप्लेन झूठी शिकायतों से क्या करा जाए, मतलब उनकी रक्षा की जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। आइए और पढ़ते हैं। मोस्ट पार्टीज डिमांडेड, ज़्यादातर पार्टियों ने डिमांड की है दैट सेंटर फाइल ए पिटीशन, कि केंद्र एक याचिका दायर करे टू रिव्यू द ऑर्डर, मीन्स जो आदेश आया है इसकी पुनः समीक्षा के लिए केंद्र एक याचिका दायर करे। ऐसा ज्यादातर पार्टियों की डिमांड है, मांग है। दे कंटेंड, वह मानती हैं दैट द जजमेंट, ये जो आदेश आया है, एंड सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन इट, और उसमें कुछ जो प्रेक्षण किए गए हैं वो सभी आदेश और उसमें जो प्रेक्षण है दोनों ही वुड रिजल्ट इन, उसका परिणाम होगा इन द लॉ लॉसिंग इट्स टीथ, कि मतलब उसका परिणाम क्या है कि कानून अपने दांत खोता जा रहा है। दांत खोता मतलब कानून अपना प्रभाव छोड़ता, प्रभाव खत्म करता जा रहा है, मतलब आप कानून का उतना वर्चस्व या प्रभाव जो कानून लोग मानते हैं वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। एंड लीव द लिस अनप्रोटेक्टेड अगेंस्ट एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज मतलब अराजकता, अनप्रोटेक्टेड असुरक्षित, और कानून कम होना मतलब दलित जो है अराजकता से असुरक्षित होते जा रहे हैं, ऐसा मानना है। आइए देखते हैं व्हाइल एग्रीइंग टू hear the review petition, जब सहमत हुई टू हियर सुनने के लिए द रिव्यू पिटीशन, पुनः समीक्षा याचिका मतलब पुनः याचिका को सुनने के लिए सक्षम होने पर भी द बेंच हैज, बेंच ने however फिर भी declined, मना कर दिया टू सस्पेंड इट्स ऑर्डर, अपने आदेश को खारिज करने से। मतलब कोर्ट जो है, बेंच जो सुनवाई कर रही थी, जिसने निर्णय दिया था, वर्डिक्ट दिया था अपना, उसने पुनः समीक्षा मतलब उसका याचिका को पुनः सुनवाई के लिए तो मान लिया कि हाँ वो सुनवाई कर लेगी, लेकिन उसने अभी भी अपना आदेश जो है सस्पेंड करने से, खारिज करने से मना कर दिया है। इट क्लैरिफाइड, उसने कोर्ट ने यानी बेंच ने स्पष्ट किया दैट इट्स ऑर्डर, कि उसका आदेश वाज एम्ड एट, उसका उद्देश्य क्या है आदेश का, प्रोटेक्टिंग द इनोसेंट मतलब मासूम की सुरक्षा करना,
एंड नॉट अंडरमाइनिंग द दलित राइट्स, ना कि दलितों के अधिकारों का हनन या फिर दलितों के अधिकारों को कम करना। मींस कहना कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है, बेंच ने ये स्पष्ट किया है कि उसका जो आदेश देने का उद्देश्य है वो सिर्फ निर्दोषों की रक्षा करना है, निर्दोषों को सुरक्षा प्रदान करना है, ना कि दलितों के अधिकारों का हनन या दलितों के अधिकारों को कम करना है, ऐसा उसने स्पष्ट किया है। आपको मैं ग्रामेटिकल पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि एम एट प्रोटेक्टिंग, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एम के बाद प्रीपोजिशन पूछ लिया जाता है, कभी कभी एम ऐड कर देता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देता है, तो काट करके आईएनजी फॉर्म करना होता है, एम ऐड डूइंग समथिंग होता है, तो प्लीज इसे याद रखेंगे। और प्रोट इनोसेंट आपका निर्दोष होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अंडरमाइन भी आया है, डायरेक्टली नहीं आया लेकिन पैसेज में कई बार यूज हुआ है और उसमें क्लोज टेस्ट में भी भरने को आया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हाउ डिड इट कम अबाउट, आखिर ये मुद्दा आया कैसे, आप देखिए द बेंच ऑफ जस्टिस ए के गोयल एंड यू ललित, जो ए के गोयल और यू ललित जी की बेंच थी वाज डीलिंग विथ एन अपील, वह एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, उससे हैंडल कर रही थी, और याचिका किसके द्वारा थी, बाय द डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डीटीई, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो था, डायरेक्टर थे वो टेक्निकल एजुकेशन के, उनके द्वारा एक याचिका थी जिनकी ये पीठ सुनवाई कर रही थी, किनकी पीठ, ए के गोयल और यू ललित की, और ये मुद्दा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। अब पब्लिक सर्वेंट, ये जो डायरेक्टर हैं ये महाराष्ट्र के हैं, एक पब्लिक सर्वेंट है, जिन हुज प्ली फॉर क्वैशिंग, जिनकी याचिका क्या थी, हुज प्ली फॉर क्वैशिंग अ क्रिमिनल केस, जिनकी याचिका किसके लिए, फॉर क्वैशिंग खारिज करने के लिए, ये भी वर्ड आया एसएससी में, फॉर क्वैशिंग खारिज करने के लिए, अ क्रिमिनल केस, एक आपराधिक मुकदमा, आपराधिक मामला अगेंस्ट हिम जो उनके खिलाफ था, वाज डिक्लाइंड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था, मतलब उनकी याचिका जो थी, उन्होंने याचिका दायर की थी कि उनके खिलाफ जो आपराधिक मामला है वो क्या है, उसे खारिज कर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका क्या कर दी थी, उनकी जो ये पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हम कर सकते, तो वो जो है यही मामला लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसकी सुनवाई ए के गोयल और यू ललित जी ने की, और तभी ये मुद्दा निकल के सामने आया, आपको अब समझ में आ गया होगा। आइए फिर देखते हैं, द कोर्ट फाउंड दैट, कोर्ट ने ये पाया दैट कि कोर्ट फाउंड दैट, कोर्ट ने पाया कि एन एम्प्लॉय ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि एक कर्मचारी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स कहने का शैक्षिक संस्थान का एक कर्मचारी हैड गिवन द कंप्लेंट सोलली बिकॉज, मतलब एक शैक्षिक संस्थान के एक कर्मचारी ने जो शिकायत दर्ज की है, सोलली केवल और केवल, बिकॉज क्योंकि, इसलिए केवल शिकायत दर्ज की है, बिकॉज द डीटीई रिफ्यूज, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो डीटीई था वो डायरेक्टर उसने मना कर दिया था टू ग्रांट ग्रांट सेक्शन मीन्स सहमति देने से टू प्रोसिक्यूट द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिंसिपल, उस संस्थान के प्रिंसिपल पर कार्यवाही करने से मना कर दिया था, मीन्स कहने का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अब इम्प्लॉय का कुछ लफड़ा फंसा रहा होगा तो उन्होंने क्या कहा कि प्रिंसिपल सर कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तो डायरेक्टर जी ने मना कर दिया कि नहीं हम कार्रवाई नहीं करेंगे, कुछ होगा प्रॉब्लम, तो उन्होंने क्या किया, जो इम्प्लॉय था वो सीधे चला गया कोर्ट और ये उसने पिटीशन डाल दी और शिकायत खिलाफ कर दी, किसके, डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत कर दी, तो ये मामला था। आइए आगे पढ़ते हैं, इट सेड, और इसमें कहा गया दैट नन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंसेस लिस्टेड अगेंस्ट हिम वेयर मेड आउट इन द कंप्लेंट्स, मींस कहने का, और कोर्ट ने ये भी कहा दैट कोई भी मामला ऑफ एनी ऑफेंसेस, किसी भी अपराध का लिस्टेड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ जो दर्ज था वेयर मेड आउट इन द कंप्लेंट, वो कंप्लेंट में, शिकायत में दर्ज नहीं था, मींस कहने का जो भी वो अपराध उसने किए ऐसा कोई भी मामला कंप्लेंट में दर्ज नहीं था। फिर आगे देखेंगे, द बेंच देन लुक नोट ऑफ द, ये सॉरी टूक नोट ऑफ, क्या होता है टेक नोट ऑफ समथिंग, मीन्स होता है किसी मामले का संज्ञान लेना, ध्यान देना, द बेंच देन टूक नोट ऑफ द केस ऑफ ए सिमिलर नेचर, तो अब यहाँ पर ये तो मुद्दा था ही, अब वही जो बेंच ए के गोयल और यू ललित की थी उसने क्या किया कि जब ऐसा मामला यहाँ पर है तो उन्होंने फिर से अब इसमें थोड़ा विचार किया, द बेंच देन टूक नोट ऑफ केसेस ऑफ ए सिमिलर नेचर, फिर उसने क्या किया, इसी प्रकार के जितने भी मामले हैं उन सभी का संज्ञान लिया, बिफोर अदर कोर्ट्स, अन्य कोर्ट के अन्य न्यायालयों के सामने, इन विच, जिसमें फॉल्स एंड फ्रिवोलस कंप्लेंट्स वेयर मेड, जिसमें कि झूठी और मजाकिया कब शिकायतें दर्ज कर दी जाती थी, अंडर द एक्ट फॉर पर्सनल मोटिव, मतलब किस SC ST एक्ट के तहत, फॉर पर्सनल मोटिव, अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो अब मतलब कहने का यहाँ पर झूठ साबित हुआ कि भाई केवल अपना कुछ स्वार्थ होने के कारण उसने क्या किया, डायरेक्टर के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई करवाने कही, प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो डायरेक्टर के ऊपर उसने कंप्लेंट कर दी और पिटीशन दायर कर दी, तो जब बेंच के सामने सारा मुद्दा गया और उसने देखा तो उसने क्या किया, उसने पूरा जज किया कि यार ऐसे कितने मामले हो सकते हैं, तो
तो फिर उसी ने उसका संज्ञान लिया, टेक नोट ऑफ द केसेस ऑफ द सिमिलर नेचर, इसी प्रकार के जितने भी केस थे उन सबका संज्ञान लिया, किनके सामने, बिफोर अदर कोर्ट्स, अन्य न्यायालयों के सामने। और फिर क्या, और उनमें जो केस थे उनका मुद्दा क्या होता था कि फॉल्स एंड फ्रिवोलस कंप्लेंट्स, कि उसमें मजाकिया रूप से या झूठी कंप्लेने दर्ज कर दी जाती थी फॉर पर्सनल मोटिव, अपने निजी स्वार्थ के लिए। हैंस पर्सनल मोटिव आपको समझ में आया कि निजी स्वार्थ के लिए कंप्लेंट दर्ज कर दी जाती थी। हैंस इसलिए इट वांटेड, इट मतलब कोर्ट, कोर्ट चाहता था टू ले डाउन गाइडलाइंस, कि वो ऐसे निर्देश जारी करे टू प्रिवेंट मिसयूज, ताकि रोका जा सके मिसयूज मतलब दुरुपयोग ऑफ लॉ कानून का, सो दैट ताकि द इनोसेंट कुड बी प्रोटेक्टेड, इनोसेंट जो निर्दोष व्यक्ति है उसे सुरक्षा मिल सके, वो सुरक्षित रह सके, मतलब कहने का वो ना फंसे इन मामलों में। तो इसीलिए इसको कोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ा कि भाई अगर एक मामला ऐसा है तो ऐसे कितने मामले हो सकते हैं। तो उसने कहा कि क्यों ना ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी जाए कि जो निर्दोष व्यक्ति है वो तो ना फंसे कम से कम। तो यही मुद्दा बन करके आगे इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। इट सॉट टू एक्सप्लेन, इसने प्रयास किया ये स्पष्ट करने का, ये व्याख्या करने का, दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, कि अराजकता संबंधी जो एक्ट आया है उसकी व्याख्या शुड नॉट प्रमोट, उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए, शुड नॉट प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज ऑफ फ्रैटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज ऑफ फ्रैटर्निटी, मतलब हमें जो पहले से संवैधानिक मूल्य, संविधान के बहुत मूल्य, मतलब कहने का कि बहुत ज्यादा मूल्यों वाला संविधान मिला है, उसको प्रमोशन को कम से कम इसे प्रमोट करना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, आप इसे फिर से देख लेंगे, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, और सामाजिक अखंडता को, आप अब यहाँ से कंप्लीट देखिए कि इट हैज सॉट टू एक्सप्लेन, इसने जवाब मांगा या फिर इसने एक्सप्लेन करने को कहा, मतलब और या फिर आप कह सकते हैं कि इसने स्पष्ट किया दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जो अराजकता संबंधी एक्ट आया था, शुड प्रमोट, उसे कम से कम क्या करना चाहिए, मतलब अराजकता संबंधी एक्ट क्या था कि अराजकता ना होने दी जाए किसी के खिलाफ। तो इसका मकसद क्या था, मकसद ये था शुड प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ फ्रैटर्निटी, उसका मकसद ये था कि जो हमें पूर्वजों से संवैधानिक अधिकार मिले हैं, संवैधानिक मूल्य मिले हुए हैं, उनको थोड़ा बढ़ावा मिले, उन्हें प्रमोशन मिले, इसीलिए तो एट्रोसिटीज एक्ट आया था कि किसी के प्रति अराजकता ना हो, क्योंकि समानता का व्यवहार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना, मीन्स कहने का सारे राइट्स सभी के पास है, ये सब चीजें। और इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, मीन्स कहने का सामाजिक अखंडता भी बनी रहे, समाज के बीच में टूट फूट ना पड़े, ये सारी चीज, ये सारे हमारे संविधान के मूल्य थे और इनको बढ़ावा देने के लिए ही ये संविधान आया था, तो इसको कम से कम प्रमोट तो करना चाहिए, ये संविधान कह रही है, सॉरी ये कोर्ट कह रही है, मतलब दिस में रिक्वायर अ चेक, और इन सभी, अब हमें बढ़ावा देना है सामाजिक अखंडता को, हमें संवैधानिक मूल्यों को अगर बढ़ावा देना है तो दिस में रिक्वायर अ चेक, मीन्स कहने का इसे इसमें आवश्यकता होगी ए चेक ऑन फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑफ इनोसेंट सिटीजन्स, कि जो भी झूठे झूठी शिकायतें, झूठी झूठी कंप्लेंट्स एक निर्दोष व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उन पर रोकथाम होनी चाहिए, उन पर अच्छे कम से कम एक रोक लगनी चाहिए, ऐसी आवश्यकता होगी अगर हमें प्रमोशन देना है इन सब चीज़ को। और कैसे झूठे कंप्लेन लगती हैं सिटीजन्स पर, ऑन कास्ट लाइन्स, मतलब जाति के आधार पर, मतलब कहने का कि अगर हमें इन सभी चीज़ों को प्रमोट करना है, आप किसको, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को और आपके इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी मतलब सामाजिक अखंडता को हमें बढ़ावा देना है, तो कम से कम हमें जो जाति के आधार पर झूठी कंप्लेन दर्ज होती है निर्दोष लोगों के खिलाफ, उन्हें तो कम से कम रोकना पड़ेगा, उन पर एक रोकथाम तो लगानी ही पड़ेगी, रिक्वायर एच एक, कम से कम एक रोक की आवश्यकता है। Why does it matter? आखिर ये मामला मायने क्यों रखता है, तो आइए इसमें देखते हैं। It matters, ये इसलिए मायने रखता है because the court's ruling, जो court का आदेश है, has led to an explosion, एक विवाद, एक विस्फोट खड़ा कर दिया है, विस्फोट कर दिया है of दलित anger, मतलब कहने का कि दलितों की नाराजगी का, मीन्स कहने का कि जो ये मुद्दा इसलिए मायने रखता है क्योंकि जो कोर्ट का आदेश आया इसने एक विवाद खड़ा कर दिया है और उसमें क्या है दलितों का गुस्सा निकल के सामने आ रहा है। और नेशन वाइड प्रोटेस्ट, राष्ट्र स्तर का विरोध ऑन अप्रैल 2 अप्रैल को रिजल्टेड इन वायलेंस मीन्स हिंसा में तब्दील हो गया, जो 2 अप्रैल को पूरे राष्ट्र में विरोध हुआ था तो वो क्या हुआ, वो पूरा हिंसा में तब्दील हो गया। 9 people डाइड अक्रॉस द कंट्री, मीन्स 9 लोग जो है मारे गए थे अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, है ना, उस दिन द प्रोटेस्टर्स
जो विरोध करता थे, एज वेल एज साथी द प्रोपोनेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले, उसको समर्थन करने वाले वो लोग, मीन्स कहने का विरोध करने वाले जो प्रोटेस्टर्स थे, प्रोटेस्ट करने वाले, और प्रोपोनेंट्स मीन्स सपोर्टर या एडवोकेट ऑफ सोशल जस्टिस, न्यायिक सामाजिक न्याय का समर्थन करने वाले लोग, एंड दलित इमेंसिपेशन और दलितों की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग हैव क्वेश्चन्ड द वर्डिक्ट। उसने उन्होंने क्या किया, ये सारे लोगों ने जो आदेश आया था वर्डिक्ट उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, कई सारे प्रश्न उन्होंने खड़े किए हैं। आइए देखते हैं आगे। दे एग्री, दे डिसएग्री व्हीमेंटली, वह डिसएग्री असहमत है व्हीमेंटली बहुत ही जोर साथ गुस्से के साथ विद द रूलिंग, इस आदेश के साथ, मीन्स कहने का कि उन्होंने जो वर्डिक्ट है उस पर प्रश्न खड़ा किया और वो इस आदेश से बहुत ही नाराज है, बहुत ही गुस्से में है। और अब रूलिंग क्या थी, अब रूलिंग को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। विद द रूलिंग दैट, अब क्या था, द बार अंडर द एक्ट ऑन ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल नीड नॉट प्रिवेंट कोर्ट फ्रॉम गिविंग, मतलब अब ये जो रूल आदेश वर्डिक्ट दिया था, वर्डिक्ट में कोर्ट ने क्या कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया, वो भी वो उसने कहा था ये, द बार अंडर द एक्ट ऑन द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल नीड नॉट प्रिवेंट कोर्ट फ्रॉम गिविंग द एक्यूज्ड एडवांस बेल, मीन्स कहने का जो कानून बना है एक्ट के तहत, SC ST के एक्ट के तहत, ऑन द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल मीन्स कहें सॉरी SC ST एक्ट नहीं, मतलब अग्रिम एंटीसिपेटरी बेल मतलब होता है अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत को देने के लिए जो भी कानून बना है नीड नॉट प्रिवेंट, उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है कोर्ट को फ्रॉम गिविंग द एक्यूज्ड दोषी को देने के लिए एडवांस बेल, इफ दोषी को एडवांस बेल देने के लिए, इफ देयर वॉज नो मेरिट, अगर कोई भी योग्य तथ्य नहीं मिलता है इन द कंप्लेंट शिकायत में अगेंस्ट उसके खिलाफ, मीन्स कहने का कि अगर कोई कंप्लेन दर्ज होती है और उस कंप्लेंट में कोई भी वास्तविक तथ्य नहीं मिलता है कि हाँ वो व्यक्ति दोषी ही है, तो सरकार को नहीं रुकना है, नीड नॉट प्रिवेंट, नहीं रोक सकता है कोर्ट को कोई भी तथ्य या कोई भी एक्ट कि वो जमानत ना दे, मीन्स वो जमानत दे सकती है, जब कोई तथ्य ही नहीं सामने आ रहा कि भाई वो व्यक्ति दोषी है, तो कोर्ट क्यों रुके इस तथ्य पे कि हाँ भाई उसने दलित पर, सब मुद्दा ही होता है ना कि जैसे दलितों पे कोई आक्रमण किया तो आप सीधा पहुंच जाता है कि भाई हम लोगों को परेशान किया जा रहा है ऐसा, तो सरकार क्या पुलिस क्या करती है, उठा के बंद कर देती है, ना चेक ना इंक्वायरी कुछ नहीं, आपने दलित पे बस ऐसा आया गलती किसकी है ये भी नहीं देखती, बस उठा के सीधा बंद कर दिया। तो कोर्ट का कहना यह है कि कोर्ट उसको जमानत देने से बिल्कुल ना हिचकिचाए, साफ साफ जमानत दे अगर उसका कोई फॉल्ट कोई कंप्लेंट जो है वो उसमें कोई सच्चाई नहीं दिख रही है, तो ये कहने का, और ये आदेश था कोर्ट का, है ना। एंड इफ ऑन इफ एंड इफ और यदि ऑन जुडिशियल स्क्रूटनी न्यायिक जांच पे इट वॉज फाउंड ये पाया जाता है टू बी प्राइमा फेसी मेलिफाइड, यानी कि प्राइमा फेसी अपेरेंटली स्पष्ट रूप से गलत पाया जाता है, मतलब कहने का कि कंप्लेंट जो दर्ज की गई अगर उसमें कोई सच्चाई नहीं, उसमें कोई मेरिट नहीं दिखती, कोई सच्चाई नहीं दिखती है, या फिर स्क्रूटनी जो न्यायिक समीक्षा न्यायिक जांच की जाती है उसमें भी पूरी तरह से ये झूठी पाई जाती है कंप्लेंट, तो सरकार जो कोर्ट है वो अग्रिम जमानत दे सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे कोई भी एक्ट हो, चाहे SC ST एक्ट हो, कोई भी हो, अगर व्यक्ति दोषी नहीं पाया जा रहा है तो उसे जमानत दी जानी चाहिए, ये रूल है। अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक क्या था कि अगर आपने कुछ किया तो सुनवाई क्या कैसे जो भी होगा तो वो सब बाद में होगा, उठा के पहले बंद कर दो, हो गया, वो कोई कुछ नहीं, जब कोर्ट के पास मामला जाएगा तभी कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी प्रॉब्लम, तो ये चीज़ थी, तो इसके खिलाफ कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया है। द रूलिंग ऑल्सो सेड, अब और आदेश में क्या कहा गया था, आदेश में कहा गया था पब्लिक सर्वेंट शुड नॉट बी अरेस्टेड, कि पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाना चाहिए अंडर द एक्ट, इस एक्ट के तहत, SC ST एक्ट के तहत, विदाउट द परमिशन ऑफ देयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जब तक कि परमिशन न मिल जाए उनके नियुक्ति करने वाले अधिकारी, जैसे जहाँ पर पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है तो उस पब्लिक सर्वेंट की जो अथॉरिटी, उसका जो बॉस है, उसकी बिना अथॉरिटी के पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा ही कोर्ट ने कहा, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो। एंड इन द केस ऑफ अदर, अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो विदाउट द अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो बिना डिस्ट्रिक्ट सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के सहमति के उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये कहने का मतलब है। इट फर्दर सेड, इसने और आगे कहा, आर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो जो DSP है शुड होल्ड अप, और उसको क्या करना चाहिए, शुड होल्ड अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, उसे एक पुनर्जांच बैठानी चाहिए, जांच करनी चाहिए, पूर्व जांच या प्राथमिक जांच आप कह सकते हैं, इनटू कंप्लेंट, उस शिकायत पर, टू रूल आउट, खारिज करने के लिए देयर बीइंग फॉल्स, उसके झूठे होने की, और मोटिवेटेड वंस, या फिर निजी स्वार्थ होने की, मींस कहने का कि
सुप्रिंटेंडेंट जो होगा डीएसपी होगा उसको क्या करना है, अगर कोई कंप्लेन आती है तो उस पर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, मतलब पहले उसकी जांच करे और ये कम से कम पुष्ट कर ले कि वो झूठी नहीं है, वो कंप्लेन झूठी नहीं है या फिर अपने खुद के स्वार्थ से नहीं बनी है, तभी वो कोई एक्शन ले। अगर झूठी है तो सीधा खारिज कर दे, अगर झूठी नहीं है तो फिर वो उसे अरेस्ट करना है, जो भी करना है फिर वो अपना प्रोसीडर करे। ये कहने का मतलब, ये सारा आदेश दिया था किसने, बेंच ने। तो अब इस आदेश के लिए है वो इतना सारा दंगा हो रहा था। अब आप आगे देखिए, द बेंच सेड देयर, बेंच ने कहा देयर वाज एक्नॉलेज्ड अब्यूज, ये तो पूरा सहमति पूर्ण दुरुपयोग हो रहा है ऑफ पावर, मतलब शक्ति का, टू अरेस्ट अंडर द एक्ट, किसी भी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेना, मतलब कहने का कि SC ST एक्ट जैसे है, अब उसके उसके तहत अगर आप किसी को गिरफ्तार कर ले रहे हो तो सीधी सी बात है ये तो दुरुपयोग हो रहा है अपनी शक्ति का। आप दलित का एक्ट जो आपको दिया गया है कि आप लोग कम से कम ऊपर उठे, उसका आप दुरुपयोग करके दूसरे को परेशान कर रहे हो। इट आल्सो ऑब्जर्व, उसने ये भी माना दैट एक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ चार्टर, कि ये जो एक्ट हमने बनाया है SC ST वाला, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ चार्टर, इसे एक चार्टर नहीं बना सकते हैं ऑफ एक्सप्लोइटेशन, मतलब शोषण का, एंड ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स होता है अत्याचार का, दोनों ही बड़ा है हमने, आप ध्यान रखिएगा, अत्याचार का, बाय एनी अनस्क्रुपुलस पर्सन, किसी भी अनस्क्रुपुलस, ये भी आया है ना समझ व्यक्ति के द्वारा, और बाय द पुलिस, या फिर पुलिस के द्वारा, फॉर एक्सट्रानियस रीजन, अपने इरिलेवेंट मतलब बेतार्किक कारणों के लिए, अगेंस्ट अदर सिटीजन, किसी दूसरे के खिलाफ। मतलब चार्टर क्या होता है कि वहां पर आदेश दे दिया तो उसका पालन करना है, अंधानुयायी टाइप का पालन, तो वहां पर क्या होता है वो शोषण का एक माध्यम बन जाता है, लोगों का शोषण होने लगता है और प्रताड़ना मिलने लगती है। तो वही कह रहे हैं कि ये एक्ट हमने दिया है किसके लिए, दलितों के उत्थान के लिए, अब हम इसे कोई चार्टर नहीं बना देंगे जिससे कि जो एक शोषण और अत्याचार का माध्यम बन जाए, किसके लिए, और ये इसे कार्य करेगा कौन, कोई ना समझ व्यक्ति के लिए, मतलब कहने का एक ऐसा भाई ये सब शोषण वाला कार्य, या फिर कहने का मतलब अगर आप किसी एक्ट के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हो, अपना खुद का मोटिव रखते हो, पर्सनल बेनिफिट रखते हो, तो वो ना समझ व्यक्ति तो होगा, तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हम हेल्पफुल बन जाए, और या फिर पुलिस के द्वारा कि अगर भाई पुलिस फॉर एक्सट्रानियस रीजन, मतलब बिना तर्क के अगेंस्ट द सिटीजन, किसी भी नागरिक के खिलाफ, मतलब कहने का कि वो चार्टर में इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे कि एक शोषण का माध्यम बन जाए अन्य मासूम लोगों के लिए। As has been found, जैसा कि पाया गया है on several occasions, कई अवसरों पे, in the decision referred to above, जब भी निर्णय ऊपर दिए गए, means कहने का कि हम ऐसा इस act को एक शोषण का माध्यम नहीं बना सकते हैं, जैसा कि अधिकतर मामलों में जब सुनवाई करते हैं तो कई निर्णयों में हमने ऐसा पाया है। Another observation by the bench, बेंच ने और कौन सा ऑब्जर्वेशन किया है, that caused consternation was, जिसने की कंस्टर्नेशन, ये भी एग्जाम में आया है, प्लीज ध्यान रखिए, कंस्टर्नेशन होता है डिसमे, निराशा, मतलब कहने का कि कोर्ट ने और ऑब्जर्वेशन और अन्य ऑब्जर्वेशन ये किया है जिसने की क्या कास्ट कंस्टर्नेशन, जिसने निराशा फैला दी है, वाज वो ये था दैट इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक है टू एक्सप्रेस कंसर्न, की चिंता व्यक्त की जाए दैट वर्किंग ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, कि किसी भी जो अराजकता संबंधी एक्ट है इसकी कार्यप्रणाली शुड नॉट रिजल्ट इन परपेचुएटिंग कास्टिसिज्म, मतलब परपेचुएटिंग मतलब होता है किसी चीज को आगे ले जाना, बढ़ाना, कास्टिसिज्म मतलब जातिवाद, जातिवाद वैसे भी बहुत बुरा होता है ना, तो जातिवाद जो अराजकता संबंधी एक्ट आया है इसका मकसद ये नहीं है कि जातिवाद को और बढ़ाया जाए। भाई अब अराजकता के खिलाफ अगर इसका लोग गलत रूप से प्रयोग करेंगे तो जातिवाद को भी प्रमोशन मिल रहा है ना, कि भाई जाति के आधार पर आप स्पेशल राइट्स दे रहे हो किसी को, है ना, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो केवल उतना आप उन्हें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए जितने, जिससे कि वो अपना खुद का उदय कर सके, ये नहीं कि किसी और को दूसरे को नुकसान पहुंचा सके, ये नहीं होना चाहिए, तो वही इनका कहना है यहाँ पर। अब आगे लास्ट हेडिंग क्या है, व्हाट लाइज अहेड, आखिर अब आगे आता क्या है, तो आपने टॉपिक तो पूरा समझ लिया। अब देखिए, अंडर कोर्ट प्रोसीडर, कोर्ट की कार्यवाही के अंतर्गत, द सेम बेंच दैट डिलीवर्ड ए वर्डिक्ट, वही बेंच जो जिसने, वही पीठ जिसने की डिलीवर्ड ए वर्डिक्ट, जिसने आदेश दिया था, मस्ट आल्सो हियर द रिव्यू पिटीशन, उसे ही पुनर्समीक्षा पुनर्याचिका जो मतलब सॉरी जो मतलब उसकी जो याचिका डाली थी उसकी फिर से क्या पुनः जांच, पुनः सुनवाई उसी को करनी चाहिए, मतलब कहने का बेंच ने, जिस बेंच ने निर्णय दिया था तो नियम तो यही है कि कम से कम वही उससे फिर से उसकी सुनवाई करे, ऐसा कहने का मतलब है। द सेंटर विल आल्सो सीक, जो केंद्र है, विल आल्सो सीक टू कन्विंस, वो भी प्रयास करेगा टू कन्विंस, समझाने का द कोर्ट, कोर्ट को दैट, या फिर कोर्ट को स्पष्ट करने का दैट रूलिंग वुड मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट, कि ये जो आदेश है ये वुड मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट, और मुश्किल कर देगा फॉर दलित विक्टिम, दलित पीड़ितों को टू कास्ट बेस्ड वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम गेटिंग देयर कंप्लेंट्स,
इन्वेस्टिगेटर मीन्स कहने का कि वो दलित पीड़ितों के लिए और मुश्किल कर देगा ये आदेश ऑफ कास्ट बेस्ड वायलेंस जो उनके साथ जातिगत हिंसा होती है एंड डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव होता है फ्रॉम गेटिंग देयर कंप्लेंस इन्वेस्टिगेटेड उनकी शिकायतों को की जांच करने से मींस कहने का कि कोर्ट ये तर्क सा रखेगा उसके सामने सॉरी सेंटर ये तर्क रखेगा कोर्ट के सामने कि दलित लोगों के की कंप्लेन सुनी नहीं जाती है मतलब पुलिसों के पास है ना और भाई इन्फ्लुएंस लग जा जो पावरफुल पर्सन होते हैं उनका इन्फ्लुएंस आ जाता है तो ऐसा तो पहले से ही हो रहा है। कई मामलों में ऐसा होता है कि दलितों की सुनवाई नहीं होती उनके खिलाफ हिंसा होती है कोई बोलने वाला ही नहीं आवाज उठा करके तो अगर आप ऐसा आदेश दे दोगे कि भाई जांच होनी चाहिए तो आप तो उनकी और सुनवाई नहीं होगी। हालांकि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि दलित होने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती है ना तो इसका बेनिफिट होता है काफी लोगों को कि कम से कम उनकी बात तो सुनी जाती है इस एक्ट के तहत लेकिन अब तो वो भी नहीं होगा अगर ऐसा आदेश है तो दोनों ही पक्ष हैं प्रोज और कॉन्स दोनों ही हैं। इफ द कोर्ट इज कन्विंस्ड अगर कोर्ट सहमत हो जाता है इट मे एग्री टू मॉडिफाई ये सहमत तो इट मे एग्री तो ये सहमत हो सकता है उसकी संभावना हो सकती है टू मॉडिफाई इट्स ऑर्डर कि वो अपने आदेश को थोड़ा सा परिवर्तित कर दे और रिकॉल पार्ट ऑफ इट या फिर इसके किसी भाग को थोड़ा सा बदल दे। इन द इवेंट ऑफ इट्स रिफ्यूजल अगर इन द इवेंट ऑफ इट्स रिफ्यूजल टू डू सो अगर वो ऐसा करने से मना कर देता है तो उस समय द सेंटर विल हैव टू एक्सप्लोर तो केंद्र को तलाशने होंगे अदर लीगल ऑप्शन अन्य संवैधानिक विकल्प चुनने होंगे या तलाशने होंगे ताकि टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट कि वो जो SC/ST एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन उसको सही से लागू बनाए रखे एज इट्स स्टैंड जैसा कि उसका रवैया है मींस कहने का जो अभी हेल्पफुल हो रहा है SC/ST एक्ट के तहत दलितों के साथ जो दलितों को उसकी उसका बेनिफिट मिल रहा है सही रूप में वो उसी तरह बना रहे उनके साथ अभी भी कोई गलती ना हो कोई गलत कार्य ना हो उनके दलितों के साथ तो उसके लिए क्या है केंद्र को एक नया रास्ता तलाशना पड़ेगा अगर कोर्ट अपना डिसीजन नहीं बदलता है या फिर मतलब दलितों के अनुरूप अपना डिसीजन देने में मतलब कहने का कि वो एग्री नहीं होता है जिसने उसने जो डिसीजन दिया है वो बना रहता है उसी तरह तो फिर केंद्र को कुछ नया रास्ता तलाशना पड़ेगा। ये टॉपिक के वेंकट रमन जी ने लिखा था तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा तो ठीक है आई होप आप वीडियो को लाइक किए होंगे तो सो प्लीज़ चैनल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे पता लगे जिससे अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता है तो उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिले है ना और कॉम्प्रिहेंसिव को कैसे डील किया जाता है कई सारे सेंटेंस का कनेक्शन कैसे हम अलग अलग करके उन्हें कंप्लीट मीनिंग में निकाल सकते हैं और उसका सेंस समझ सकते हैं तो ये सब आपके आई होप बेनिफिशियल होगा। तो फिर कल मिलते हैं नए एडिटोरियल के साथ। थैंक यू वेरी मच।